आप मेरे को एक बात बताइए हाउ फ्रस्टिंग हाउ फ्रस्ट्रेटिंग टी वी डिबेट्स आर दीज डेज इरीटेटिंग फ्रस्ट्रेशन और उनका कोई आउटकम नहीं है वहाँ पे बेवकूफों की तरह लोग चिल्ला रहे हैं आप तो पूरे दिन रहते हैं उन टी वी डिबेट्स में देखिए यही वजह है आपसे नहीं है कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म की कोई भी हो इंडियन मीडिया में क्यों हो रहा है ये प्रॉब्लम है एक फॉर्मेट में बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है वो इसीलिए मैं एंकर नहीं रही रही तब से मैं महसूस कर रही थी इस बात को मैं नहीं रह सकती थी लोग कहते हैं हम मिस करते हैं भाई रियल जर्नलिज्म कहाँ होता है बहुत ही कम होता है ना एक कोई किसी ने बाइट दी कोई बयान आया बड़ा उस बयान पर एक टी वी डिबेट हो गया आप तीन लोगों को बुला लें चार लोग को बुला लें अलग अलग मुख्तलि पार्टी से शुरू कर दिया खाड़ा लोग देख रहे हैं तमाशा बन रहा है एक जो डमिंग डाउन है और डमिंग डाउन और हो रही है मज़बूत मतलब और पुख्ता हो रही है वो ड्रमिंग डाउन और कुछ निकल के नहीं आ रहा है क्योंकि कोई नई ओरिजिनल थॉट नहीं है कोई आउटकम ही नहीं है उस बात का अब मैं आपको बताती हूँ मुझे किससे होता है मैं कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा बहुत ना सिर्फ पर्टिकुलर हूँ बहुत इमोशनल हूँ क्राइम्स अगेंस्ट वमेन रेप हुआ अब रेप भी एक वेपनाइजेशन हो गया है पोलिटिकल बस टूल टूल की तरह यूज़ होता है आप देखेंगे रेप किस स्टेट में हुआ कौन पार्टी शासन में थी उसके खिलाफ कौन बोल रहा है अच्छा और जो वो जो एंकर्स भी हैं, वो भी देखते हैं। लेकिन आप क्या भी ऐसा हुआ था अगर राजस्थान में हो रहा है तो तो कंपेयर करने कंपेयर करने अच्छा दोनों वो कहते हैं हमारे यहाँ है इतने हुए तुम्हारे यहाँ इतने हुए बस अब सो इतना शर्म सी आती है ना अच्छा बुरी बात कि एंकर्स भी इसमें फंस रही हैं बचा है कि आप इस लेवल पर अगर आप है आप उसके उप से ऊपर उठेंगे ना आइंस्टाइन ने आइन कहा था अगर एक प्रॉब्लम है किसी लेवल पर आप सोल्यूशन उस से उठ ही ढूंढ पाएंगे ना उस प्रॉब्लम का लेकिन आप वहीं पर फंसे हुए वो छोड़िए एंकर्स भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं पर इनका ये होता उनके ये होता आप क्या ये बोला उनके यहाँ बोला ये चल रहा है ठीक है जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं माशाल्लाह उनको देखिए एक्सपर्ट्स कहाँ है वो वो वही तो वो एक्सपर्ट्स भी जो मेरा मेरा प्रॉब्लम यही है इन, आ, हमारे देश के लो, लोगों में जो पब्लिक लाइफ में है कि भाई पॉलिटिशियंस अपना काम करेंगे वो अपनी पार्टी के बात करेंगे आप तो जर्नलिस्ट लोग हैं अब जर्नलिस्ट लोग को भी छोड़ दीजिए आप तो एक्सपर्ट्स हैं डोमेन एक्सपर्ट्स हैं एक्टिविस्ट हैं अलग अलग जगह से आते हैं आप हर एक चीज़ को देखें आप तो औरतों के खिलाफ जो क्राइम्स हो रहे हैं उन पर बोलती हैं लेकिन आप भी पॉलिटिशियन बनी हैं क्योंकि आपको भी लग रहा है आपको कुछ मिल जाएगा ये जो है पूरी तरह से आ, अच्छा विश्लेषक होगा वही काम कर रहा है सोशल साइंटिस्ट होगा वही काम कर रहा है कोई सामाजिक सुधारक होगा वही काम कर रहा है अभी कोई किसानों की बात कर रहा है लेकिन उसका कहीं फिट है एंगल किसी ना किसी संस्था के साथ और वो कई ऐसे भी एक्सपर्ट हैं जो तो पैसे लेके आते हैं कोई बात कर रहा है मुस्लिम बच्चों की शिक्षा की लेकिन उसका पूरा एंगल है वो कभी अच्छी बात ही नहीं कहेगा अगर आप जब तक आप हर एक केस को उसके मेरिट्स और डी मोदी जी ने एक 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 चीज़ बुरी की है हज़ारों अच्छी की हैं लेकिन अगर आप लगातार मोदी जी अच्छे ही हैं या फिर राहुल गांधी अच्छे ही हैं सब बुरे हैं अगर आप इतने इस, इस जोन में चले जाएंगे अंधकार के ब्लैक एंड वाइट भी मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वो भी उसमें भी कुछ रोशनी का लेना देना है <स्थाथ <स्थाथ नहीं 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 <स्थाथ> थोड़ा बहुत रोशनी का बल्कि काफ़ी कुछ लेना लेना देना होता है रोशनी का कलर्स में लेकिन यहाँ पर तो अंधकार ही अंधकार है भैया नील बटा सन्नाटा है आपस हाँ ये सब अच्छा ये जो है डमिंग डाउन ये है